हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप जानते ही हैं, मैं हर बार नए वीडियोस लेकर आती हूँ ऑन टॉपिक म्यूचुअल फंड्स फॉर आवर इन्वेस्टर्स, क्योंकि आज के डेट में व्हेन आई मीट टू क्लाइंट्स पता चलता है कि दे आर वेरी कंफ्यूज्ड, क्योंकि दो चीज़ें हैं मार्केट में कि लोगों को ये बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि हम डायरेक्ट जाएँ या फिर रेगुलर जाएँ, कौन सा प्रोडक्ट लें, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें। इन सब चीज़ों को लेकर बहुत कन्फ्यूजन रहता है और उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं कुछ ना कुछ नए टॉपिक्स लेकर आती रहती हूँ। और आज का टॉपिक है हमारा रेगुलर वर्सेस डायरेक्ट प्लान, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि लोग कैसे जाएं, डायरेक्ट या रेगुलर में, और उस पर कॉस्ट ऑफ लॉस क्या होता है अगर हम डायरेक्ट जाते हैं। तो उसी को जानने के लिए आज हमारे साथ मिस्टर अनुज हैं। वेलकम सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि लोग आज बहुत कन्फ्यूजन रहते हैं, क्योंकि गूगल पर टाइप करा विच इज़ द फंड और देख लिया कि हाँ ये बेस्ट फंड है, उसके अकॉर्डिंगली कर लिया एंड दे थिंक के दिस इज़ बेस्ट फॉर मी। तो आप प्लीज़ ज़रा हमारे इन्वेस्टर्स को गाइड करें कि डायरेक्ट और रेगुलर में जाने के क्या बेनिफिट्स और क्या डिमेरिट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सी, और जो कन्फ्यूजन की जिसकी आप बात कर रहे हो, वो कन्फ्यूजन और भी बढ़ जाती है जब वो टाइप करते हैं म्यूचुअल फंड्स या कोई भी फंड टाइप करते हैं और वो दो तरीके के फंड उनके सामने आ जाते हैं। Right. जैसा कि आपने बताया, फर्स्ट इज़ डायरेक्ट प्लान एंड सेकंड इज़ रेगुलर प्लान, ठीक है। और वो फिर बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सा प्लान लें, डायरेक्ट लें और रेगुलर लें। तो सबसे पहले तो एक इन्वेस्टर को ये समझना पड़ेगा कि डायरेक्ट प्लान कौन सा है, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है और रेगुलर म्यूचुअल फंड कौन सा है, ठीक है। सो मैं स्टार्ट करता हूँ रेगुलर से। देखिए, रेगुलर म्यूचुअल फंड वो है जिसमें आपका आप किसी ब्रोकर के थ्रू, आप किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे कि आप हैं। Right. जो भी इन्वेस्टर आपके थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे वो रेगुलर प्लान में जाएगा। उसमें आपका ARN कोड इन्वॉल्व होगा, आपकी एक्सपर्टीज उसमें इन्वॉल्व होगी, आपने उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग करके उनके लिए जो बेस्ट फंड है आपने उनको वो बताया होगा, उस हिसाब से वो फिर अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे। सो जो भी इन्वेस्टमेंट किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाएगी वो इन्वेस्टमेंट आपकी रेगुलर प्लान में जाएगी। इनका एक्सपेंस बिल्कुल सीधी सी बात है थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि एक कॉस्ट इन्वॉल्व है। अब आप कहते हैं ना, देर इज़ नो फ्री लंच, तो आप भी कुछ काम कर रहे हो, आपको भी उसमें बेनिफिट होगा, लेकिन लेकिन देखा गया है कि कॉस्ट बहुत ही मिनिमम होती है। अब आपने किसी के लिए आपने उसकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग की है, आपने उसको रिकमेंडेशन दी है एक्सपर्ट एज पर योर एक्सपर्टीज, तो आप भी चाहोगे कि आपको भी कुछ कॉम्पनसेशन मिले। और आई थिंक एक इन्वेस्टर के लिए भी वो ठीक है, राइट, कि वो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग आपसे करा रहा है, उसके फाइनेंशियल गोल्स पूरा अचीव हो रहे हैं, तो इसके लिए वो 20-30-40 पैसे जो एक्स्ट्रा दे रहा है वो भी मैनेजेबल है। तो इस हिसाब से जो भी इन्वेस्टमेंट्स एक डिस्ट्रीब्यूटर के कोड के थ्रू आ रही हैं, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर का कोड इन्वॉल्व है, वो आपकी रेगुलर में जाएंगी और इनकी एनएवी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, या इनका एक्सपेंस मैं बोल लूँ 30-40 पैसे ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट प्लान्स। अब आ जाते हैं सेकंड प्लान पे, जो कि डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट प्लान्स जो म्यूचुअल फंड में होते हैं वो यही होते हैं कि जब एक इंडिविजुअल डायरेक्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी से या डायरेक्ट म्यूचुअल फंड हाउस से जो खरीदता है उसको डायरेक्ट प्लान बोला जाएगा। उसमें बीच में नो डिस्ट्रीब्यूटर कॉस्ट है, डिस्ट्रीब्यूटर की कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ वो जाएगा अपना खरीदेगा, लेकिन इसके लिए उसको स्टार्टिंग से एंड तक एग्जीक्यूशन वही करेगा। अगर एक नया इन्वेस्टर है तो उसको KYC भी खुद करनी पड़ेगी या ऑनलाइन करनी पड़ेगी, और सब इनसे भी पहले उसको फंड सेलेक्ट खुद करना पड़ेगा कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट करने हैं, ठीक है। सो ये सारा डिसीजन उसका होगा, सारा एग्जीक्यूशन उसका होगा, उसके बाद पोर्टफोलियो रिव्यू सब कुछ उसका होगा। और अगर उसको ये एक्सपर्टीज इतनी है, जैसे देखा गया है हमारे इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी कम है, उतनी नहीं होती है लोगों में, बट सिर्फ एक दूसरे लोग किसी से सुन लिया, किसी से, हाँ, तो उस पर आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हो। अब इन्वेस्टमेंट भी कर ली तो लेकिन फिर आपको निकलना कब है, एग्जिट कब करना है, अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वो ये कर लेते हैं, इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब बात आती है कि बेटर कौन सा है या अच्छा कौन सा है, बुरा कौन सा है, जो भी क्वेश्चन है। देखो, एक मैं हमेशा ये बोलता हूँ, फॉर एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू उसको एक एक्सपर्ट चाहिए ही चाहिए। अब कोविड में आप डोलो लेके भी घर पे ठीक हो रहे थे, राइट, और डॉक्टर के पास जा रहे थे, प्रॉपर इलाज भी आप वहाँ पे भी करा सकते थे,
कंसल्टेंसी तो रिक्वायर्ड थी वहाँ पे भी, कौन सी दवाई कौन सी रेट। बहुत सारे लोग घर पे भी ठीक हुए लेकिन उनको बहुत टाइम लग गया ठीक होने में, और फिर ठीक होने के बाद भी जो उनके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज उनको आ रहे हैं आफ्टर कोविड दिखाई, डॉक्टर क्या करेगा, आपका एक प्रॉपर इलाज करेगा, ठीक है। सो एग्जैक्टली द म्यूचुअल फंड के केस में बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, अपने फाइनेंशियल फ्यूचर गोल्स पूरा करने हैं, तो आपको एक एक्सपर्ट के साथ मिलके ही वो हो सकता है, वो आपके लिए काम करेगा। आप देखिए कॉस्ट क्या है, डायरेक्ट में जाने की भी अपनी एक कॉस्ट है। ओके, डायरेक्ट में जाने की कॉस्ट क्या है, क्या है, आपको वो एक्सपर्टीज नहीं मिल पा रही है। वो बंदा आपको एक्सपर्ट एडवाइस करता, वो आपको एडवाइस नहीं मिल पा रही है, यहाँ पे आपको सारा काम खुद ही करना है। एग्जैक्टली, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, एक जब डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ आता है तो आपका सारा काम वो करके देता है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी सर, जैसे कि आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिकॉज एक्सपर्टीज नहीं मिलने की वजह से व्हाट आई फेल्ट ड्यूरिंग द कोविड, मेरे किसी भी इन्वेस्टर्स ने ये कहकर अपने अमाउंट को विदड्रॉ नहीं किया या फिर SIP स्टॉप नहीं की कि मार्केट इज डाउन एंड माई अमाउंट हैज गॉन डाउन बाई 20-30-50%, बिकॉज जो भी कोई प्रॉब्लम थी दे कॉल्ड मी एंड आई ट्राई टू कन्विंस एंड टेल देम द ट्रुथ, तो वो रहे और आज उनको जो उनका माइनस में था, डेफिनेटली सर बहुत ऐसे एग्जांपल्स में ही एक डिस्ट्रीब्यूटर है जो एडवाइजर का काम आता है। आप कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, निफ्टी 12,000 से 7,500 आ गई थी, दैट वाज 30-35% फॉल, राइट? एग्जैक्टली, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज वर डाउन बाय 30-35%। अब किसी का 1,00,000 का पोर्टफोलियो अगर 65-60,000 दिखेगा, डर तो हो गए, डर बिल्कुल होगा, वो तो है, ह्यूमन बिहेवियर ये है, उसके लिए तो मैं बिल्कुल मना ही नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर एक एडवाइजर होगा, वो आपको ये बताएगा, निफ्टी के पिछले 20 साल का चार्ट आपके सामने लेके आएगा कि ऐसे ऐसे शॉक्स हर 10 साल में एक बार आता है। 2008 में सबप्राइम क्राइसिस आई, निफ्टी 6,000 से आपकी 2,800 आ गई, मोर देन 50% करेक्शन था उस टाइम पे, लेमन ब्रदर्स US में कोलैप्स कर गया था, पूरा फाइनेंशियल सिस्टम हिल गया था, लेकिन विद इन एन ईयर मार्केट फिर से 6,000 आ गई और उसके बाद आप देख लो आज तक रुकी ही नहीं है। बीच में एक अच्छा बड़ा फॉल आया, हर 10 साल में एक बड़ा फॉल आता है, बीच बीच में 5-6% के फॉल आते ही रहते हैं, ठीक है। अब आप देखो, अब कोविड के टाइम की अगर मैं बात करूँ, आपने अपने इन्वेस्टर्स को जिसको बोला कि आप हिस्ट्री देखो, बड़ा फॉल आ रहा है, बट यू हैव टू स्टे इन्वेस्टेड, ठीक है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ा सा लगता है कि यार अब ये 60,000 की वैल्यू 30 ना हो जाए, राइट? बट यही है, हमें जो ये दिखाई जाती है, हम ऐसा बोलते हैं कि इक्विटी हमें लॉन्ग टर्म में 10 गुना 20 गुना 15 गुना बना के देगा, वो क्यों बना के देगा, वो यही कॉम्पनसेशन है जो आप रिस्क ले रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज इनफैक्ट कह लेंगे। हाँ, ये जो रिस्क आपने लिया ना, ये जो वोलेटिलिटी आपने झेली, ये उसी चीज का कॉम्पनसेशन है। आप सिर्फ फिक्स इनकम में लगा लो, आप डेट में लगाओ और आप 6% कर लो, आपको कौन मना कर रहा है? बट इफ यू वॉन्ट टू मेक मनी, इफ यू वॉन्ट मेक कॉर्पस, और आप 20-25 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आप चाह रहे हो 20 गुना 30 गुना रिटर्न, आप फॉर रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस अच्छा क्रिएट कर रहे हो, तो फिर आपको ये वोलेटिलिटी भी झेलनी पड़ेगी, और ठीक भी है, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि इक्विटी वो इक्विटी मार्केट्स है, वो तो ऐसे ही चलती है। आप पिछले 20 साल का डेटा उठाओ, आप देखो इन्वेस्टर्स को वो दिखाओ कि किस तरीके से निफ्टी का चार्ट चल रहा है। और मैं एक आते हैं जी बिजनेस पे, मैं उनको फॉलो करता हूँ काफ़ी, तो वो हमेशा यही बोलते हैं, निफ्टी हो या इंसान, जाना तो ऊपर ही ओपन ही है, ठीक है। सो इस तरीके से हम आप उनको बता सकते हो कि अल्टीमेटली द होल आइडिया इज टू स्टे इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म, दैट्स इट। और बीच बीच में ऐसे शॉक्स हमें मिलते रहते हैं, बट एज एन एडवाइज़र, अगेन मैं यही बोलूँगा, एज एन एडवाइज़र, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर अगर आपके पास है, तो वो आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर दिखाएगा, वो आपको ये बताएगा कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको पैसा नहीं निकलना है। आज जिस जिसने भी कोविड में से पैसा निकाल लिया था, आज वो सब मार्केट को देख देख के रो रहे हो। बिल्कुल सही कह रहे, ठीक है ना। सो वो मैं यही बात बोल रहा हूँ कि इक्विटीज़, आपको म्यूचुअल फंड्स समझ आ गए हैं, ठीक है, आपने डायरेक्ट ले लिया है, बट इसके अलावा भी बहुत चीज़ें हैं, इसके अलावा भी मार्केट में सबसे बड़ी बात एग्जिट। और अगर आप एक थीमेटिक फंड में जाना चाह रहे हो या अपना कोर और सोटेलेट पोर्टफोलियो बना रहे हो, बहुत सी चीज़ें हैं जो इन्वेस्टमेंट एक इन्वेस्टर नहीं जानता है और एक डिस्ट्रीब्यूटर ही उनको बताता है। और अपार्ट फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स और डायरेक्ट, बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके पोर्टफोलियो में ऐड होनी चाहिए, तो डेफिनेटली एक एडवाइजर सजेस्ट करते हैं। सर, मेरा अगला सवाल है, म्यूचुअल फंड के अलावा मार्केट में बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, हाँ जी, FD हो गया, RD हो गया, इंश्योरेंस, आज इतने बहुत सी कंपनीज है वो इंश्योरेंस विथ रिटर्न्स अच्छे निकालती हैं, बट हम हमेशा सुनते हैं म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, सब
प्लीज़ इन्वेस्टर्स को गाइड करें कि म्यूचुअल फंड सही कैसे है। देखिए, मैं किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत है, वो कैसा भी है, बट हाँ, एज़ फार एज़ म्यूचुअल फंड्स आर कंसर्न, सो एक जो इन्वेस्टर है, जो सैलरीड क्लास इन्वेस्टर है, उसके लिए म्यूचुअल फंड से बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आप बोल लीजिए है ही नहीं मार्केट में, है ही नहीं। वो कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। आज एक बंदे की जॉब लगती है, ठीक है, सबसे पहले वो SIP करना पसंद करता है। आज इतना एक इन्वेस्टर अवेयर हो गया है, अब SIP करेगा, सो SIPs आर फॉर लॉन्ग टर्म, और SIP से अच्छी चीज़ भी नहीं है, ठीक है। सो SIP कर रहा है और अपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो लॉन्ग टर्म अपनी वेल्थ वो क्रिएट कर देता है। छोटी सी SIP भी आपकी बहुत अच्छा कॉर्पस क्रिएट कर देती है, ठीक। अब इसमें आप हिस्ट्री टेल्स अस कि निफ्टी CAGR इज अराउंड 13.5%, लेकिन जितने भी आपके डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स हैं, लास्ट 20 ईयर्स का आप डेटा निकाल के देखो, सो लगभग 18.5% से CAGR से वो बढ़ रहे हैं। सो म्यूचुअल फंड्स ने इतना अच्छे से रिटर्न उनको दिया है। कोई भी एसेट क्लास उठा लो आप, इक्विटी को जब रिटर्न के मामले में इक्विटी को तो वो टच कर ही नहीं पा रही है, ठीक है। आप जैसे FD की बात कर रहे हो, आप RD की बात कर रहे हो, आप इंश्योरेंस की बात कर रहे हो, इंश्योरेंस तो मस्ट है ही है अगर आप किसी की फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो। सो नंबर वन इज उसकी सबसे पहले आपको रिस्क प्लानिंग करनी है, ठीक है। वो इन्वेस्ट तो जब करेगा ना, जब पहले उसकी आप उसको पहले उसका पूरा रिस्क को प्रोटेक्ट कीजिए, जो अगर और अगर वो एक पूरा ब्रेड अर्नर है फैमिली का, सोल अर्नर है, तो फिर उसका तो ज़रूरी हो जाता है उसको इंश्योर करना। सो इसीलिए बोला जाता है नेवर मिक्स योर इन्वेस्टमेंट विद इंश्योरेंस। आप इंश्योरेंस अलग रखना है, आपको इन्वेस्टमेंट अलग रखनी है, आपको ये दोनों चीज़ें मिक्स नहीं करनी है। आप इंश्योरेंस के लिए, ये मेरे ख्याल हैं, इंश्योरेंस के लिए आप एक प्लेन टर्म प्लान ले लीजिए, बहुत सस्ता टर्म प्लान ले लीजिए, और बाकी पैसा आप म्यूचुअल फंड में डालिए, ठीक है। सो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग अलग होनी चाहिए। प्लेन टर्म प्लान ले लो। आपने जब टर्म प्लान कराया तो मैं थोड़ा सा इस पे जानना चाहूँगी कि लोग यहाँ पे सोचते हैं टर्म प्लान इज द वेस्टेज ऑफ मनी। हाँ, सो देखो, टर्म प्लान में वेस्टेज उनको इसीलिए लगता है कि उनको कुछ मिल नहीं रहा है वापस। यस, एग्जैक्टली, ठीक है। उन्होंने 30 साल की उम्र में टर्म प्लान लिया, 40 अगले 30-35 साल तक प्रीमियम भरा, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला, ठीक है। बट वो सोचना गलत है। सबसे पहली चीज़, 30 साल से जब तक वो टर्म प्लान चला है, उनके सर पे कवर रहा, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एट एनी मिस हैपनिंग, सारा का सारा पैसा नॉमिनी को जा रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़, ये टर्म प्लान बहुत सस्ते आते हैं। ओके, ठीक है, बहुत सस्ते आते हैं। अब आप एक मिक्स प्लान लेते, ट्रेडिशनली मैं कह रहा हूँ, कोई एंडोमेंट प्लान लेते, मिक्स प्लान जिसमें आपको अगर 15-20 साल में कुछ रिटर्न भी मिलता, उस 10 लाख सम इश्योर्ड के लिए आपका अप्रोक्सीमेट एनुअल प्रीमियम बनता 45-50 हज़ार, जो मैं देखता हूँ मोस्ट ऑफ द प्लान्स हैं इंडस्ट्री में। 10 लाख का इंश्योरेंस लेने के लिए, 10 लाख का सम इश्योर्ड के लिए आपको लगभग एनुअली 50,000 देना पड़ता, ठीक है। और आपको सारे लॉन्ग टर्म है 20-25 साल, उसके बाद आपको लगभग इसका डबल मिल जाता, 20-22 लाख रुपये मिल जाता 20 साल के बाद, ठीक है, 50,000। सबसे पहली चीज़, आप ये वाला जो 50,000 है, ये आप टर्म प्लान में कर लीजिए। अब टर्म प्लान जो आप 20 लाख समय शोर लोगे, उसका 10-12 हज़ार ही बनेगा सिर्फ, ठीक है। और बाकी पैसा जो आप है, उसकी आप SIP कर लीजिए। आपका SIP का जो कॉर्पस बनेगा ना, मैं कह रहा हूँ 40,000 के SIP तो बहुत ज़्यादा कॉर्पस बना देगी आपका, 4-5 करोड़ का कॉर्पस बना देगी। बेशक वो 10 अपॉर्चुनिटी लॉस, 10 वो आपने जो 10,000 रुपया 20 साल तक दिया है, 2 लाख रुपए वो आप हटा लो उसमें से, स्टिल यू हैव अ वेरी गुड कॉर्पस। यानी कि हम एक तरह से कह लें कि सपोज यहाँ पे जो हम इंश्योर्ड है, इंश्योरेंस मान लीजिए कोई 1-2 करोड़ का लेता है, तो उसका प्योर टर्म प्लान लेके और बाकी का अमाउंट SIP कर दो, जो नहीं मिलने वाला अमाउंट है वो एक तरह से SIP रिटर्न दे देगी। एब्सोल्युटली, मैं कह रहा हूँ वो आपका, अगर आप ये अगर ऐसा ही सोच के चल रहे हो कि मेरा टर्म प्लान बिल्कुल ही वेस्ट है पैसा उसका, तो आप सोच लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपका कॉर्पस बनेगा म्यूचुअल फंड में, वो कहीं ज़्यादा होगा अगर आप सिर्फ ट्रेडिशनल प्लान के थ्रू जाओगे तो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रेडिशनल प्लान्स इंडिया में, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट्स को इंश्योरेंस को मिक्स कर दिया है, ठीक है। सब बड़ी कंपनीज यही कर रही है, मैं उनके प्रोडक्ट को बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, प्रोडक्ट गलत है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक इन्वेस्टर के लिए मैं समझता हूँ कि बेस्ट यही है। एक टर्म प्लान ले लो, आप 1 करोड़ का भी टर्म प्लान ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 करोड़ का लो, 2 करोड़ का लो, आपका जो एनुअल पैक ऐसा बोला जाता है, वॉट एवर यू आर अर्निंग मल्टीप्लाई बाय 20,000, दैट शुड बी योर सम इश्योर्ड। ओके, मल्टीप्लाई बाय 20 एनुअल इनकम मल्टीप्लाई बाय 20, ओके, दैट शुड बी योर सम इश्योर्ड। अब आप इन्वेस्टर्स को खुद ही देखना पड़ेगा कि उन्होंने कितना सम इश्योर्ड लिया हुआ है।
कोई 10 लाख रुपए कमा रहा है तो उसका सम इंश्योर 2 करोड़ हो गया। दो करोड़ का सम इंश्योर उसका एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम होना चाहिए, वो भी प्योर टर्म प्लान। इन केस ऑफ डेथ नॉमिनी रिसीव्स 2 करोड़ रुपए, दैट्स इट, नो इफ नो बट यहाँ पर। और कितना है प्रीमियम दे दो, बाकी आप इन्वेस्ट करो म्यूचुअल फंड के थ्रू, SIP के थ्रू। आपके फाइनेंशियल गोल्स पूरा करने के लिए म्यूचुअल फंड से बेटर ऑप्शन है ही नहीं मैम, इक्विटी म्यूचुअल फंड से बेटर ऑप्शन है ही नहीं। लॉन्ग टर्म में आप देखो, इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड के थ्रू आप पैसा लगाओ, आप लॉन्ग टर्म 20-25 साल के लिए कर रहे हो तो स्मॉल कैप के थ्रू आप जा सकते हो, मिड कैप आप जा सकते हो। आप 20,000 के SIP कर रहे हो, 20,000 में से अगर लॉन्ग टर्म के लिए है तो 60-70% तक स्मॉल एंड मिड कैप लो, 20-30% आप उसमें लार्ज कैप भी ले लो, और गोइंग फॉरवर्ड बहुत अच्छा पर्पस आपका क्रिएट हो जाएगा। ग्रेट सर, बिकॉज ये समझना, देखो एक चीज और मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ, जो हमारा जो अब हमारी एक ही लाइफ है, और उस लाइफ में से भी जो हम जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो पीरियड भी लिमिटेड है, वो 30 से 50 है। बिल्कुल, सबको वही मिलता है, सबके लाइफ में वो सेम ही आता है। एक डिसीजन आपको लेना है एट द एज ऑफ 30 या एज 28 या एज 32, जब भी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, कि आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। आप वहाँ पे FD करके 6% कमा लो, राइट, आप FD कर लो, इंश्योरेंस कोई प्रोडक्ट ले लो, अगले 25 साल में फिर आपको 20, अगर आपकी 10 लाख कॉस्ट वैल्यू है तो आपको 20 लाख ही मिलेगा, ठीक है। बट एक ऐसी एसेट क्लास जो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा रिटर्न दे रही है, ऐसी एसेट क्लास अगर ये डिसीजन आप ले लेते हो एट द एज ऑफ 30-32 व्हेन एवर यू आर स्टार्टिंग, सो वो आपकी पूरी लाइफ आगे चेंज कर देगा, ठीक है। मैं समझता हूँ कि बहुत लंबा है पीरियड, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग यही होती है ना। और इस पे मैं आऊँगी कि जो पहले वाले क्वेश्चन पे, कि फिर यहाँ पे रेगुलर में अगर जाते हैं और एक एडवाइजर के साथ आप बैठ कर ये चीजें डिस्कस करते हैं, जितनी चीजें आप मैंने आपको बताई, राइट, ये आपको खुद पता नहीं चलती ना। बिल्कुल सर, नहीं आप अपने इन्वेस्टर्स को सारी चीजें बताएंगे तो अब आप वही 10-20 पैसे की कॉस्ट है, इतना तो आप उनका वैसे बचवा दोगे, वैसे बचवा, बिल्कुल सही बात है सर, है ना। और इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंगली अगर ले तो जो इंश्योरेंस रेगुलर में जा रहे हैं वो प्योर टर्म प्लान और SIP का कॉम्बिनेशन लेके एक अच्छा कॉम्बिनेशन है ही नहीं। मैं खुद पर्सनली मैं यही करता हूँ, कोई ट्रेडिशनल प्लान मैंने कुछ नहीं लिया हुआ, प्योर टर्म प्लान लिया हुआ, बाकी म्यूचुअल फंड्स की SIP करता हूँ मैं, दैट्स इट। ग्रेट, तो सर मैं बस एक लाइन में एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि व्हाई SIP इज बेस्ट फॉर इन्वेस्टर्स। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि एक रिटेलर के लिए, रिटेलर के लिए, एक इन्वेस्टर के लिए एक SIP सबसे उसका बेस्ट फ्रेंड SIP है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इन्वेस्टमेंट लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज बहुत ही अर्ली एजेस में, जैसे ही लोगों की जॉब्स स्टार्ट करती है, लगती है, वो SIP करना पसंद करते हैं। पहले डेटा ऐसा नहीं था, पहले लोग सेव कर रहे थे, इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, बट आज लोग खुद बढ़ चढ़ के आ रहे हैं, SIP कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल गया है कि SIP है क्या। एक आपकी 2,000 रुपये पर मंथ, 5,000 रुपये पर मंथ की सेविंग भी आपको लॉन्ग टर्म में करोड्स का कॉर्पस दे देती है, ठीक है। आप ये देखिए कि SIP से तो बेटर ऑप्शन है ही नहीं, क्यों, क्योंकि मार्केट SIP वर्क्स ऑन रुपी कॉस्ट एवरेज प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल है, रुपी कॉस्ट एवरेज प्रिंसिपल हम इसको बोलते हैं। ये इन्वेस्टर्स को समझना बहुत ज़रूरी है और आज लोग समझते भी हैं, ये आपकी कॉस्ट को एवरेज आउट करता जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा, आप मार्केट में 1 किलो टमाटर खरीदने गए, 100 रुपये पे आपने खरीदे, फॉर एन एग्जांपल, ठीक है, इस महीने आपने 100 रुपये पे खरीदे और अगले महीने रेट गिर गया, अगले महीने 50 रुपये आ गया, आपने 1 किलो फिर खरीद लिए, तो आपके 2 किलो की कितनी एवरेज हो गई, 75 हो गई। ठीक है, तीसरे महीने रेट फिर 100 रुपये चला गया, पहले महीने 100 था, आपने 1 किलो खरीदा, दूसरे महीने 50 रेट आया, आपने 1 किलो फिर खरीद लिया, यहाँ पे आपकी 2 किलो की एवरेज 75। ऑन द थर्ड मंथ आपका रेट फिर ऊपर आ गया, 100 रुपये चला गया टमाटर का। अब थर्ड मंथ आप देखो आप कितना कमा रहे हो, यू आर अर्निंग 25 रुपीज़ पर kg, 50 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है आपका, क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने नीचे के लेवल पे खरीद लिया टमाटर। एग्जैक्टली SIP वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल, जितना मार्केट नीचे गिरेगा उतना ही आपका फायदा होगा, क्योंकि हर महीने आपकी SIP फेरिट हो रही है। जब मार्केट नीचे जाए, नीचे गिरी होनी चाहिए ना, तो मैं तो कभी इन्वेस्टर्स को बोलता हूँ, SIP ले ली, अब भगवान से प्रार्थना करो मार्केट गिर जाए, ओके, आपको नीचे के लेवल पे खरीदना पहले, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट को जाना तो ऊपर ही है ना। आपको फ्लिपकार्ट पे या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सेल चल रही है तो आप जब खरीदना पसंद करते हो ना, 15,000 की चीज अगर 10,000 में मिल रही है तो आप तुरंत आ जाते हो खरीदने, बिल्कुल सर, सेम यही है यहाँ पे।
जितना ज्यादा नीचे गिरेगा उतना ज्यादा SIP आपका काम करेगा, और नीचे गिर के ऊपर भी आ गया तब भी देखो आप कभी कभी फ्लैट मार्केट्स में भी आप 10-15% कमा जाते हो SIP में, और ऊपर चल रही है ऑफ कोर्स तब तो रिटर्न आएगा ही। लेकिन सिर्फ यही एग्जांपल नहीं है, एक चीज और है SIP में पैसे लगाने की, कि एक छोटा सा अमाउंट और मंथली सेव कर सकते हो SIP में। 1000 रुपये से SIP स्टार्ट होती है, और आजकल मैम 1000 रुपये है क्या, आप एक बार कहीं बाहर जाते हो 1000 रुपये उड़ा देते, सो इससे बेटर है। और अच्छा क्वेश्चन एक ये भी उठता है कि हमें कितनी SIP करनी चाहिए, बहुत हमारी सैलरी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मेरी सैलरी लाइक 50,000 रुपीज़ है फॉर एन एग्जाम्पल, तो मैं कितने इन्वेस्ट करूँ SIP के थ्रू? तो ऐसा बोला जाता है, ऐसा माना जाता है कि एटलीस्ट 20-25% ऑफ योर सैलरी शुड बी इन्वेस्टेड, एटलीस्ट मैंने 20-25%। अब 20,000 में ले लूँ, अगर एक बंदा 50,000 रुपये कमा रहा है तो उसके 10,000 रुपये शुड बी सेव्ड, शुड बी इन्वेस्टेड बाय म्यूचुअल फंड, शुड बी इन्वेस्टेड बाय SIP, अगर वो कुछ नहीं कर रहा है। और मैंने जैसे जहाँ तक देखा है सर, क्योंकि मेरे पास मोस्टली कॉर्पोरेट्स एम्प्लॉइज कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं, हाँ जी, तो यू नो दे आर वेरी कम्फर्टेबल विथ SIP, बिकॉज जैसे है ना हर महीने का एक होता है कि ये चीज़ें कटनी है, उसमें SIP भी हिट हो जाता है, कट जाता है, वो पता नहीं चलता है। एब्सोल्युटली मैम। इंश्योरेंस का जैसे जब लेते थे तो एक एनुअल बर्डन आता है उसमें, क्योंकि एनुअल प्रीमियम लेते हैं तो एक अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है, और जी, वो हैवी प्रीमियम दिए ना, कई बार पॉलिसी लैप्स हो जाती है, आपके वो अमाउंट फॉरफिट हो जाता है। मैम जो लैप्स पॉलिसीज है ना, वो उसका डाटा मैं आपको बताऊँ, 30-40% पॉलिसी लैप्स हो जाते हैं, अगर 100 पॉलिसी स्टार्ट हुई 30-40 बंद हो जाते हैं, पैसा भी पड़ा रहता है। पैसा तो कंपनी के पास ही, इंडियाज लार्जेस्ट इंश्योरर, आपको पता ही है कौन है, राइट सर। एक डेटा आया था ना, कितने 1000 करोड़ पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो कोई क्लेम ही नहीं कर रहा है, वो यही है सारा, वो लोग भूल गए हैं करके, कुछ साल प्रीमियम दिया कुछ साल दिया नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो वो आपकी सारी फाइनेंशियल प्लानिंग जो आपने स्टार्ट करा था वो तो रह गया ना, क्योंकि उनके पास कोई उनको बताने के लिए नहीं था। आप अगर एक बता रहे हो किसी भी इन्वेस्टर को, अगर या कोई एक डिस्ट्रीब्यूटर, कोई एडवाइजर किसको एडवाइस कर रहा है, पूरी एक्सेल शीट पे एडवाइस कर रहा है, हर महीने वो आपको बताएगा, क्वार्टरली रिव्यूज करेगा, और आपको हर साल वो बताएगा कि हाँ इसका प्रीमियम डू है, आप इतना करो, आप ये करो, ये चेंजेस आपको पोर्टफोलियो में करने हैं। एंड मैं इसमें एक और ऐड करना चाहूँगा कि जैसे जब SIP करते हैं तो लेट से कोई ऐसी अनसर्टेनिटी आ गई जहाँ पे कुछ टाइम के लिए आप नहीं दे पाते हो SIP वो पोस्ट करा दो, यस दैट्स व्हाट आई वांट टू से, क्या आप करा दें तो आप कॉर्पस जो भी करता है। अब कोविड में क्या हुआ था मैम, बहुत बंदों की जॉब चली गई थी, सैलरी डिडक्शन 50-50% लोगों की सैलरी कट करके आ रही थी, तो उसी के बाद से एक ऑप्शन निकाला गया SIP पॉज का, ठीक है। आप ऑनलाइन ही SIP पॉज कर सकते, सारे जो भी प्लेटफॉर्म है सबके पास ही अवेलेबल है ऑनलाइन आप SIP पॉज करने का। ओके, आपको सिर्फ वहाँ पे एक बटन दबाना है, दैट्स इट, कि यू वांट टू पॉज योर SIP कब से कब तक, दैट्स इट। ओके ग्रेट, कब तक पॉज करनी है, तो तब तक जो वो कॉर्पस बना रहता है वो तो ग्रो करता ही रहेगा, जितना अमाउंट है मार्केट के हिसाब से वो चलता ही रहेगा पोर्टफोलियो, सिर्फ आपके नए इन्वेस्टमेंट तो नहीं जुड़ रही है, और जब भी आपको फील हो या आप जो भी आपने उसमें डेट डाली उस पर आपकी फिर स्टार्ट हो जाएगी, फिर स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, ग्रेट। और सी इसीलिए म्यूचुअल फंड देखो फ्लेक्सिबल, पूरा फ्लेक्सिबल म्यूचुअल फंड ऑप्शन हैं सारे के सारे, आप कभी भी एंट्री कर लो, कभी भी एग्जिट कर लो, कभी भी डाल लो, कभी भी और निकाल लो, आपने 1,00,000 रुपये डाले हैं 2,00,000 हो गए, आप प्रॉफिट निकाल लो, ठीक है, दिस इज नॉट एडवाइजेबल, बट ऑप्शन तो है ना, ऑप्शन तो है, मैं ये बोल रहा हूँ। हाँ सर, कोविड के टाइम पे बहुत लोगों के लिए जिन्होंने किया था SIP या म्यूचुअल फंड्स में, हाँ जी, वो एक मतलब एक ऑप्शन था अवेलेबल कि हाँ इंस्टेड ऑफ गोइंग एनीवेयर, और कई लोगों ने विदड्रॉ भी किया, और जब कंडीशन सही हो गई, जॉब सही हो गई, सैलरी सही हो गई, दे इन्वेस्टेड इट, ऐसे ही होता है मैम, ऐसे ही होना चाहिए। This option is not available in other product. हाँ वो भी है, what I feel. But ठीक है, म्यूचुअल फंड्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखो म्यूचुअल फंड्स तो फिर मैं वही बोलूँगा कि हम जो एक सैलरीड क्लास बंदे हैं वो सब फाइनेंशियल प्लानिंग, उनके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, उनको सबसे पहले एक वेल्थ क्रिएट करनी है। और मैं सबके पास जैसे कि मैं आपको बताता हूँ 20-25 साल तो वही है ना सबके पास इन्वेस्टमेंट करने के, ठीक है, सो आपको एक डिसीजन लेना है, और वो डिसीजन लेने में आपकी हेल्प कौन करेगा, एक एडवाइज़र करेगा। सो ये डिसीजन लेना है, पूरा प्लान बनाना है, फिर आपको एक प्रॉपर एडवाइज़र की हेल्प लेके, और अब अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करना है, पैसा बहुत बनना है, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी आप सुन ही रहे हो, हर रोज़ कितने डेटा आ रहे हैं, इंडिया इतने ट्रिलियन
$10 trillion 15-20 trillion भी टच कर देगा, वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बहुत जल्दी हो जाएगा। ऑलरेडी वी आर एट से $3.75 trillion। आप कोई भी चीज़ उठा के देखो, आपके आसपास की कोई भी चीज़, सिर्फ एक पिछले 10 साल में कैसी थी और आज कैसी हो गई है, कोई भी चीज़ टूवर्ड ग्रोथ ही हुई। एब्सोल्युटली कोई भी चीज़, आप बैंकिंग सिस्टम देख लो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, आप आईटी देख लो, कुछ भी चीज़ उठा के देख लो, आप मार्केट में चले जाओ, एक सरोजिनी नगर जैसी मार्केट में चले जाओ छोटी सी, या आप किसी मॉल चले जाओ, किसी गाड़ी खरीदने के शोरूम पे आप चले जाओ, 6-6 महीने की वेटिंग चल रही है। होटल का 1,000 वाला कमरा हो या 1,00,000 वाला कमरा, वो भी बुक है। ठीक है, फ्लिपकार्ट ऑनलाइन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हमारे ऑल टाइम हाई पे हैं, हमारे UPI ट्रांजेक्शन ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो ऑल टाइम हाई पे है। ठीक है, अब हमारे जो फिस्कल डेफिसिट करंट अकाउंट डेफिसिट्स हैं इंडिया के, वो हमारे बहुत स्टेबल चल रहे हैं, हमारी करेंसी बहुत स्टेबल चल रही है। ठीक है, हमारी इक्विटी मार्केट्स इज एट ऑल टाइम हाई पे चल रही है, GDP हमारा 3.75 बढ़ता ही जा रहा है, म्यूचुअल फंड AUM देख लो आप, पिछले 6 साल में 6 लाख करोड़ से 46-47 लाख करोड़ हो गया। FII यहाँ पे पैसा लगाने की सोच रहे हैं, हर कंपनी इंडिया में आने की सोच रही है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रही है, अपना बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा देखो कितना ग्रो कर रहा है। ये एक टाइम चल रहा है इंडिया का, गोल्डन पीरियड चल रहा है। यस, वी कैन से दैट गोल्ड, आज जो इन्वेस्ट कर रहा है ना, आज भी जो स्टार्ट कर रहा है इन्वेस्टमेंट करना, वो भी बहुत पैसा कमा लेगा अगले 10-12 साल में सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके। लेकिन ये बताएगा कौन, ये खुद या अब सी, आपको इतना, अगर आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं, इतना टाइम है, आप कर लो, खुद कर लो, बट आपके पास टाइम नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, या उतनी नॉलेज भी नहीं है, सो आप बिल्कुल एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प ले सकते हो, और आई थिंक मुझे लेनी ही चाहिए। थैंक यू सो मच सर, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया है, एंड आई होप कि इन्वेस्टर्स को काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, तो थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम मैम। सो आई होप कि आपको भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और क्योंकि म्यूचुअल फंड में SIP, जैसे सर ने कहा कि इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू क्रिएट योर गुड वेल्थ इन अ लॉन्ग रन। तो ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। थैंक यू।